पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम जिंजोला को किसी तरह चकमा देके भागे, लेकिन कबीले वालों ने हमें पकड़ लिया। डुगू मामा ने हमारा साथ दिया और फिर से मम्मी की जान बचाने के लिए भागने में हमारी मदद की। हम मम्मी को बचा के मामा के साथ भागे और रास्ते में मिले पापा को, लेकिन वहाँ कबीले वालों ने हमें फिर से घेर लिया। अब देखिए आगे। मुझे तो लगा है। देखिए आप लोग मुझे ले जाइए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए। हाँ, हम दोनों हंसते हंसते जिंजोला के शिकार बन जाएंगे, पर हमारे बच्चे और मेरे भाई को जाने दीजिए। तुम लोग हंसते हुए जाओ या रोते हुए, जिंजोला को क्या फर्क पड़ता है? आज झिंझोला खुश होगा। आज सात सारे परिवार के लोगों को खाएगा। अब मेरा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा और झिंझोला एक महीने के लिए आराम से सो जाएगा। मेरा नकली सरदार बनके चाटा मारने के लिए। प्लीज मेरे भाई को मत मारिए। गलती से लग गया था। अभी तुम अपनी मैजिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पापा, उस सोना के गले में एक संकर्षण पत्थर है जिसके होते हम अपनी पावर नहीं यूज कर सकते। अच्छा, शकुर तुम जिंदा हो तो कहा था, यहां का काम कौन करेगा? गुरुकार मैं यहां से तुम्हारा नौकर बनकर जरूर गया था, लेकिन लौटा हूं तुम्हारा बाप बनकर। ये देख, संकर्षण पत्थर अब मेरे पास है। पत्थर पहनकर तू अपनी औकात भूल गया? गुरुकार, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। यह संकर्षण पत्थर सिर्फ शक्तियां खींचता ही नहीं, शक्तियां देता भी है। शकुर, मुझे पता था तुम जरूर जा। शकुर के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जा, जा। सुना, तुम और तुम, अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो और मैं यहां का राजा। सिर्फ तुम्हारी पांचों की जान को खतरा है, हमारी जान तो महामहिम मंडोला बचाएंगे, है ना महामहिम?
अभी। महामहिम मंडोला, हमने आपकी सेवा की है, हमें और हमारे कबीले को झुंझुला के कहर से बचाइए। अब पहले उनमें से तीन लोग मरे या तुम में से? फायदा तो मेरा ही है। ये क्या, मेरा संकर्षण पत्थर गायब है? किसने किया ये दुस्साहस? वाह, इसके गले में संकर्षण पत्थर नहीं, मतलब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी माया, मम्मी, पापा, मामा जी, मामा जी अंकल, कुछ भी करके मंडोला के आने से पहले कुछ करना होगा। हाँ बॉस, कहीं वो पत्थर ढूंढने आया और हमारी शक्ति खत्म हो गई तो वो हमें ही खत्म कर देगा। गले में पहन कर थक रहा है ना तू? मेरा मन तो करता है मेरे हाथ में ये पंखा नहीं फरसा होता तो मैं तेरा गला जरूर फरसा होता तो मेरा गला काट देता। मन ही मन गाली देना छोड़ो और पंखा तेजी से हिला, मुझे गर्मी हो रही है। नाच। बंद कर अपनी घड़ियाल आंसू। तुम्हारी जगह अगर मेरी आऊ होती, मतलब मेरी नागिन होती, तो मुझे वहां अकेला मरने के लिए छोड़ के यहां नहीं चली आती। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अच्छा ठीक है, मैं ना अपनी बहन नागिन से ना तुम्हारी तारीफ करूंगी, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी और पता है फिर वो ना तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। सच्ची? हाँ राजा तो मैं बन ही गया हूँ, अब अगर तुम नागिन को मना लोगी तो मैं उसे रानी बना लूंगा, फिर पूरी हो जाएगी मेरी अधूरी प्रेम कहानी। नागेश्वरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चल आओ मेरे साथ, मेरे पास बैठो। आओ, अरे तुमने ये क्या किया? गुस्ताखी के लिए तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, मगर नहीं, मेरे हजार नर संहार में सिर्फ दो बचे हैं। ये पत्थर पहनकर झिंझोला दो लोगों को मारेगा
मेरी साधना पूरी हो गई, उसके बाद मैं तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। महामहिम मंडोला, इस हजार नरसंहार की साधना से ज्यादा शक्तिशाली शक्ति का राज जानता हूं मैं। हम दोनों मिल जाते हैं और करेंगे त्रिलोक पे राज। तुम्हारा मतलब है अभी के हाथ में रही मायावी चाबी का राह। इतने सालों से जिसे पाने के तुम सपने देखते हो गुरुकाल, वो मायावी चाबी मेरे पास होगी, उसके बाद इस त्रिलोक पे मेरा राज होगा, मंडोला का राज। मंडोला अकेला त्रिलोक पे राज करेगा। मैं हूं कालों का काल, गुरु का। कभी खाली ना जाए मेरी इज्जत। बनाई हुई गन गायब कैसे हो गई? मेरी साधना संपूर्ण हो जाएगी और मेरी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी। मंडोला जी, अगर आपको मारना है तो कबीले के बेकसूर लोगों को जो रास्ता भटक गए उन्हें क्यों मार रहे हैं? मारना है तो हम दोनों को मार दीजिए। तुम्हारे हाथ में बहुत काम की चीज है, ये वो मायावी चाबी है जो मुझे त्रिलोक का अधिपति बना सकती है। तुम्हारा गला तो मैं बाद में काटूंगा। हाथ आगे कर बच्चे, हाथ आगे कर। पहले तेरा हाथ काट के ये मायावी चाबी लूंगा। तुमने मेरी, मेरे सरदार और उनके परिवार की जान बचाई, इसलिए हमने तुम्हारी जान बचाई। हिसाब बराबर। पहले तो हमें उस सिंजुला को नियंत्रण में लाना होगा। को उस दिशा में ले जाना होगा, वरना वो सब जगह तबाही मचा देगा। हमें अब जाना होगा, लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए तो आप उन्हें सही सलामत ढूंढ के कबीले में वापस ले जाइएगा। प्लीज चल मैं।
पास बातचीत करके देखो ना, शायद कोई बात बन जाए प्लीज। माया अगर बातचीत से बात बन दी तो कब का करके देख ली होती। ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और ही है। ये सिर्फ एक ही चीज समझता है, शिकार करना। हमें हर हाल में इसे रोकना होगा। चलेगा बस आई होप वो जहां भी हो वो ठीक होंगे। जादू से जिंदोला को मारा है, अब हम सब लोग तुम लोगों को नहीं खाएंगे। जादू से? कैसा जादू, क्या बोल रहे हैं ये सब? इनका मतलब है बच्चों की जादुई हंसी रुक्मिणी। इन्होंने मंडोला को मना लिया होगा और वो जिंदोला को लेके चला गया होगा। चलो हम भी घर चलते हैं। बस तुम सब सही सलामत लौट कर आ गए, वरना मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मेरा बच्चा। दादी पहले वो इतना बड़ा जिंझोला और वो नरबक्षी का भी था, अच्छा हुआ अब नहीं आई। अरे हाँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी तुम दादी को देखा नहीं, कितनी हट्टी कट्टी है, तगड़ी है, तंदुरुस्त है। अगर जिंजोरा इनको खाता तो एक महीने तक सोता ही रहता और हम लोग बच भी जाते, क्या बोलते हो? बच जाते ना, नालायक। अभी मैं तुझे दिखाती हूँ, तेरा मैं कचुंबर कर लेती हूँ, अभी मैं तुझे बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। माँ जादू करो, जादू। इस कहानी की सीख, मानव जीवन बहुमूल्य है, उसका दुरुपयोग ना करें और इसे मानवता की भलाई में ही लगाएं।